सुनवाई शुरू होने के साथ ही आज फिर से हंगामा हो गया। हंगामे की वजह से राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही 10 मिनट तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन की कार्यवाही को बाधित करने पर आम आदमी पार्टी के सदस्य संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनजी गुप्ता को दिन भर के लिए निलंबित कर दिया गया है। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि जब मुद्दे पर चर्चा का समय है तो ये नारेबाजी क्यों हो रही है। सभापति ने कहा कि ये तानाशाही नहीं चलेगी। बता दें कि राज्यसभा में किसानों के मुद्दे पर बुधवार को संग्राम देखने को मिला। आपके सांसद किसान आंदोलन के मुद्दे को उठाते हुए वेल में पहुंच गए। सभापति ने आप सांसदों के नारेबाजी व हंगामे को देखते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। वहीं आप सांसदों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया। इससे पहले 3 नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर राज्यसभा की कार्यवाही को 10 मिनट के लिए स्थगित किया गया। कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर सभापति वेंकैया नायडू ने 3 सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता और एनडी गुप्ता को सदन से बाहर जाने का नोटिस दिया। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस सांसद गुलाम नबी आजाद और आनंद शर्मा ने किसान आंदोलन के मुद्दे को लेकर सदन की कार्यवाही स्थगित करने का नोटिस पेश किया। चेयरमैन ने नियम 55 के तहत कार्यवाही की है। बसपा, सीपीआई, टीएमसी, डीएमके, सीपीआईएम ने भी स्थगन का प्रस्ताव रखा। दरअसल आप सांसद संजय सिंह, सुशील गुप्ता, एनडी गुप्ता सदन में किसानों के मुद्दे पर हंगामा कर रहे थे, जिसके बाद सदन की कार्यवाही बाधित करने को लेकर उन्हें मार्शल की मदद से सदन के बाहर किया गया। बताते चले कि आज एक बार फिर से राज्यसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही हंगामा देखने को मिला। नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस और 19 अन्य पार्टियों की ओर से किसान मुद्दे पर चर्चा कराने का प्रस्ताव रखा। इन सबके बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव राज्यसभा में पेश किया जा चुका है। यहां ये भी बताते चले कि कृषि कानून के विरोध में किसान पिछले कई दिनों से आंदोलनरत है। कई बार सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप हो चुका है, लेकिन कोई बात अभी तक नहीं बनी है। किसानों को राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिल रहा है। इधर किसानों का कहना है कि जब तक कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाता, वह आंदोलन से पीछे नहीं हटने वाले हैं। किसानों द्वारा पंचायतों का दौर भी शुरू है। आए दिन किसान दिल्ली में चल रहे आंदोलन में सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे हैं। अब राज्यसभा सदन में भी किसानों का मुद्दा उठ रहा है। आज बुधवार को भी सदन में हंगामा हुआ, जिसके चलते आपके 3 सांसद भी सस्पेंड कर दिए गए। यहां यह भी गौरतलब है कि गत दिवस भी सदन में हंगामा हुआ था। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी, आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।